कहीं ना कहीं अगर देखें तो जैसे ही नतीजे आएंगे 4 जून को, उसके बाद जो है राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे घूमने के लिए, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि देखिए 1 जून तक तो अरविंद केजरीवाल के पास जमानत है और उसके बाद तो उन्हें भी वापस जेल लौटना ही है। यानी कि ये भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है उनको जो है बहुमत हासिल होगा, 400 पार उनके पास जाएंगे, लेकिन जो इंडी गठबंधन है उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और देखिए बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था, ये भी आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है। देखिए आपको ये समझना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी चुनावी प्रचार, चुनावी सभा करते हैं, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी काम किए गए हैं, विकासी योजनाएं जो चलाई गई और देश का विकास किया गया, उन बातों का जिक्र किया जाता है, चाहे उसमें 370 हो, 3 तलाक हो या फिर POK ही क्यों ना हो। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य, हमारी मंशा देश का विकास है, लेकिन विपक्ष देश का विकास कभी नहीं करना चाहती है। और इस तरह से सवाल जो है वो खड़े किए जाते रहे हैं अमित शाह की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और ना केवल सवाल खड़े किए जाते बल्कि चुनाव के दौरान इन बातों का जिक्र कर एक कोशिश, एक प्रयास ये भी किया जाता है कि जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष तैयार हुआ है, उसे इस बार 2024 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े और 400 पार का जो टारगेट तय किया भारतीय जनता पार्टी ने उसे वो आसानी से अचीव कर पाए। मानिका बिल्कुल, और देखिए इसमें यह भी जिक्र किया गया कि अमित शाह ने कहा कि पंजाब के बगैर ना तो देश सुरक्षित रह सकता है ना ही देश का पेट भर सकता है। कांग्रेस ने हमेशा पंजाब को जख्म देने का काम किया है, आजादी के दौरान विभाजन का घाव दिया है, उग्रवाद का घाव दिया है, दिल्ली में सिखों का नरसंहार किया है, कांग्रेस ने किए हैं सारे काम, और पंजाब को नशे की आग में झोंकने का काम भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है, और मोदी 3.0 अगर सत्ता में आती है तो पंजाब से नशे को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जाहिर तौर पर नशा एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में, और इसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और कहा है कि अगर सत्ता में आएंगे तो पंजाब का खास ख्याल रखा जाएगा और पंजाब से जो नशे की समस्या है युवाओं के बीच, उसे भी जड़ से खत्म किया जाएगा।